उसको लगेगा तड़का तड़का। ये दाल हमारी हो गई है, दाल सब्जी वाले मसर चावल। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कमरे में ठीक है, बच्चे भी ठीक है, अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे, हंसाता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। मुस्तफ़ा रजा कहते हैं कि अभी आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, चाहत का, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको भी खुश और बाद हंसता हंसाता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो लोग बेऔलाद, अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद, अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिश पूरी करे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक हर एक ख्वाहिश पूरी करे। तो जिन लोगों के कारोबार में बरकत नहीं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। तो जी फ्रेंड, मैंने बना रही थी मेरे लिए नाश्ता और कामरे के लिए बना रही चाय, और दो एक बॉल किए, एक ही खाएंगे साथ में, मेरी चाय हो गई यहाँ पे डन ज़बरदस्त। और चाय पीते हैं और चलते हैं जहाँ मैंने जाना है आज की, जो मेरी रोज़ की रूटीन होती है सलोन। तो मुझे कॉल आ रही थी आज, मैं से थोड़ा बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी लेट चला जाऊँगी, आज बस नींद पूरी कर रही थी, सो रही थी। तो चलते हैं सलोन नाश्ता करके। मुझे कमेंट आया था नाजिया जवेद का कि अभी मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुश रखे, बाद रखे, हंसा हंसाता रखे। तो जी अल्लाह पाक नाजिया आपको भी खुश रखे, बाद रखे, हंसा हंसाता रखे। अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और मेरी प्यारी बहना, मैं पीने वाली हूँ चाय। अगर आपने मेरी चाय पीनी है तो फिर आ जाओ मेरे पास शकरगंज में, आपको मैं यहाँ पे घुमाऊँगी फिराऊँगी, अपना गांव की सैर भी करवाऊँगी। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो साथ साथ आपको भी लेके जाऊँगी। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ, मरी बन गई है चाय और पी रही है, चाय पीने लगे मैं हैं और कामरान। तो कामरान साहब मुझे भी छोड़ के आएंगे सलोन, तो बस फिर चलते हैं। और मैं तो कहती हूँ आ जाओ, एक मेरा या एक कामरान का है, और तो आपके लिए भी बॉयल कर लेती हूँ, आ जाए मिलके नाश्ता करते हैं। ये है फ्रेंड्स मेरा और कामरान का नाश्ता हो गया है रेडी, और करते हैं नाश्ता। हाँ जी मेरी जान, क्या हाल चाल तबीयत का? ठीक हो, सेहत ठीक है? चलो जी ठीक है, हेलो आ जाओ। आज फिर नाश्ता करें। जी फ्रेंड फाइनली हम अपने सलोन गए हैं, पहुँच असलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है जाओ, अस्सलाम वालेकुम। वो आए अभी कस्टमर जाने लग रहे, मैं क्या ठहरो अभी आने लगी है। अच्छा अच्छा बैठे फ्रेंड, माशाल्लाह से कमेंट भरी थी, बहुत ही अच्छे, बड़े प्यारी दुआएं दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना मुझे कमेंट आया था अकलम शाह का, और बहुत सारी दुआएं दे रही थी, कह रही थी अभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, और माशाल्लाह आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको कमेंट करती हूँ, तो लव यू हो गया आपके लिए, बहुत सारा प्यार। और जमशेद गुलाम का भी कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यार दे रहे थे फैमिली को भी माशाल्लाह। और बख्तावर फाहद का भी कमेंट आया था, दुआएं दे रहे थे, बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह फैमिली भी, और बच्चों की जैकेट भी, और मानक भी आ रहा था कमेंट, मानक भी था, मानो था और शाम है शाहनवाज मानक भी, आप या बहुत अच्छी लग रही हैं, ड्रेसिंग आपकी प्यारी है। और मानो शाह का भी साथ में कमेंट आ रहा था, शाहनवाज का भी कमेंट है, बहुत शुक्रिया आपकी चाहत का, आपकी मोहब्बत का। बैठी हुई थी मैं अपने फ्रेंड्स के भी कमेंट पा रही थी, साथ साथ अपने जो मेरे पास अपने सलोन में कस्टमर हैं उनको भी साथ बात हो रही थी मेरी, वो भी मुझे देखते हैं, वो भी आए हुए थे, सारे बैठे हुए थे मेरे पास, वो मुझे कह रहे कि अभी हम आपके व्लॉग देखते हैं, माशाल्लाह आपकी जो व्लॉग में ना एक्टिविटी जो रियल होती है वही आप बताती हैं, तो होना भी ऐसा ही चाहिए, जो एक्टिविटी रियल में हो उसका ही मज़ा आता है, वही अच्छी होती है। और इकरा नदीम का भी कमेंट आया था, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, ये भी दुआएं दे रही थी, अल्लाह पाक सबको खुश और बहुत अच्छा सा हंसाता रखे। अल्लाह पाक हाँ की सिस्टर को भी अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, वो ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, तो अल्लाह पाक उनकी बहन को जल्दी जल्दी से जाप कर दे और अपने घर में जाए। और बाबर सलीम भाई बहुत शुक्रिया,
हाँ मौसम चेंज है इसलिए कामना की तबीयत खराब हो जाती है। मैंने जाना है ना जब लाहौर चेकअप के लिए, तो मैंने उधर से जाके ना कामरन को ब्लाजमी चेकअप करवाना है। कुछ दिन हो गया कामरन को प्रॉब्लम हो जाती है, रात को जब सोती है ना तो फिर उनको प्रॉब्लम खांसी भी होती है, उनको चेस्ट प्रॉब्लम हो गई हुई है। तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगी जाके अपना चेकअप भी करवाऊँगी, इंशाल्लाह कामरन को भी चेक करवाऊँगी। इंशाल्लाह जाना मैंने कुछ दिन तक ना मैंने लाहौर जाना है। तो बाकी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है आल फैमिली है, आपस ना आपी बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यारी है, सुनीला आपी है बहुत प्यारी बहने हैं और चेहरा ब्यूटी है बहुत अच्छी है। माशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली आल फैमिली और मुझे माशाल्लाह आसफा मंसूर ये भी बहुत ही अच्छी फैमिली है। सारे मुझे देखे नाम याद है अपनी फैमिली के नाम मैं नहीं भूलती। बुशरा शहजादी सारे जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं सबका नाम मेरे दिल में है। भूल सबका जो मुझे कह रहे थे अभी आपके ड्रेसिंग प्यारी लग रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे इतना प्यार करती हैं, इतने इतने प्यारे कमेंट करती हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली सबके लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। तो जी फ्रेंड्स कामरा साहब आ गए हैं लेने के लिए और यहाँ पे जो ना हमें आई है खीर गिफ्ट, गिफ्ट बड़े आ रहे हैं, कभी साग आ रहा है कभी खीर आ रही है। एक आज फिर कस्टमर आया बैठे कह रहे थे कि अभी मैं आपके लिए ना साग बना के लेके आऊँगी, आपकी मैंने देखी थी वीडियो साग की, आप मेरे हाथ कभी साग खा के देखना, बड़ा अच्छा साग बनाते हैं हम। तो यहाँ पे ना माइजा की सिस्टर है नजफ, तो मोरली से फैसल टोन से उन्होंने बना के भेजी है खीर और कह रही थी कि कामना भाई कभी लाजमी टेस्ट करवाना। हालांकि कामना की तबीयत ठीक नहीं है, खांसी थी इनको, प्रॉब्लम थी चेस्ट की, तो इनके लिए खीर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ना टेस्ट की है। उन्होंने ना अपने हस्बैंड को ना बाहर भेजी है सऊदी अरब में भेजी है। उन्होंने बोला कि मैंने ना अपने हस्बैंड को भेजनी है तो मैं आपके लिए भी जरूर भेजूंगी। आपकी बहुत जबरदस्त दो बाइट ले है, दोनों दे विच दो दो बादाम आए ने, क्या बात है। तो है भी तो अच्छी लग रही है और बहुत जबरदस्त और इतनी मेहनत से बनाई हुई है आपने, इतनी मजे की लग रही है और टेस्टी की। अभी मुझे बस इसकी ना मैंने ढक्कन उठाया था, मैंने देखा इसकी इतनी खुशबू आई है और इतनी अच्छी लगी है और माशाल्लाह लुक भी अच्छी है, मजे की है। जिस तरह ऐसा है जिस तरह खोया ही खा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। दो बादाम आया है ना, आए बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की बनी हुई है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे कामरान साहब आ गए हैं लेने के लिए, पहले मैंने उनको खीर खिलाई है, तो फिर हमने बोला कि बच्चों की कॉल आ गई थी देहान की, जान की, सुभान की, और हम आए नहीं दिए था कि तो बस करने वाली थी मैं सलून का क्लोज। तो मैंने कहा चलो फ्रेंड्स को बता दें कि हम जाने वाले हैं घर, तो चलते हैं घर, बच्चे कह रहे हैं वेट कि मम्मा क्या कर रही है और कब तक आने वाली है, तो जी चलते हैं घर। मम्मा आ गई है, ये पकड़ो तुम्हारी चीज़ें, ये यहाँ पर रखती हूँ ना, ये देखो जी ये तुम्हारे, ये पकड़ो वो देखो सामान, क्या कर रहे थे आप? ये खीर है। हाँ और ये देखे कामरान, शुरू हो जाओ, 1 2 3 स्टार्ट जी मैं होने वाली शुरू और मेरा काम होने वाला है स्टार्ट। किसका काम स्टार्ट होने वाला है? किचन का, सारे काम करने वाले हैं, करने हैं अभी स्टार्ट, खाना वगैरह बनाती हूँ तो हो जाती हूँ स्टार्ट। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मा बना रही है मसर, गोलू ने बोला मम्मा मैंने खाने हैं मसर चावल, तो मम्मा आते आते ना मसर ले आई थी और चावल ये जो मुझे ना गांव से मिले हैं, ये गिफ्ट मिला है चावल, ये सिद्रा की अम्मी ने दिए हैं, नए चावल है, तो मैं बनाने वाली हूँ मसर चावल। साथ में लेके आई थी चिकन, तो रेहान कहता कि मैंने खाना है चिकन फ्राई, तो रेहान के लिए होगा चिकन फ्राई और यहाँ पे होगा सुबहान और जान के लिए के चावल। अच्छा तो रेहान क्या कह रहे हो? नहीं बता दे, बता दे, तुमने जो खाना वही बन जाना। नहीं मैं नहीं खाऊंगा फिर, अब मेरा माइंड चेंज हो गया। अच्छा तुम मसर चावल खाएगा? चावल खा रहे, मैंने ज्यादा ही बनाने हैं, तो ये भी खा लेते हैं, मुझे पता तो चस्का भी लगा लेना रात का। तो इसको बस मैं जो है ना साफ कर रही हूँ चावल, तो फिर बनाते हैं मसर चावल। यहाँ पे बनने वाले हैं मसर चावल और मसर चावल की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, तो फिर मैंने कहा चलो बनाने जो लगी हूँ तो फिर से शेयर कर देती हूँ। मैंने आधा किलो मसर लिए हैं और यहाँ पे है नमक, ज़ीरा, दादर मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पे जो है ना मसर मैंने अच्छे से धो लिए, वॉश कर लिए हैं, मसर गए हैं इसके अंदर और साथ में ही इसके अंदर जाएंगे सारे मसाले मैं डालूँगी इकट्ठे और मैं इसको लगाऊँगी वेट। ये देखेंगे जो सारे मसाले इसके अंदर गले गए,
और साथ में है मेरे पास यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज ली है, साथ में मैंने अदरक को मुलकश कर लिया है, साथ में यहाँ पे हरी मिर्च है, प्याज है, और मेरे पास यहाँ पे लहसुन है जिसको मैं बोलती हूँ काजू, मेरे फेवरेट, मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। ये सारे मसाले इसके अंदर गए इसी तरह से, तो बाकी ये जो है पानी इसके अंदर, तो साथ में ही मैं इसके अंदर अपना जो ऑयल है मैं डाल लूँगी साथ ही थोड़ा सा, तो बाद में भी इसका तड़का भी लगना है, तो इसको मैं ना अभी लगाने वाली हूँ वेट, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं लगाऊंगी वेट, ताकि जो अच्छे से हमारे जो मसर है ना आपस में ना घुल मिल जाए। यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ इसको वेट, ये देख लें, तो यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ पानी बॉयल, तो साथ में करूँगी नए चावल बॉयल, तो साथ ही एक आपको दिखाती हूँ दिखा के। तो यहाँ पे बॉयल आ गया है मेरे पानी को, और यहाँ पे बाजरी ही अच्छी थी, और यहाँ पे है चावल हम डाले थे इसके अंदर, तो बॉयल आ गया है, तो साथ में इसके अंदर चावल डालते हैं, तो अपना जो है चावल को करते हैं बॉयल। जी फ्रेंड्स, मैंने कर दिया है वेट को बंद, और माशाल्लाह से हमारे जो मसल हैं काजू वाले रेडी हो गए हैं, साथ में ही जो मैंने चावलों को लगाया है एकदम, बच्चे कहते खाने हैं बॉयल वाले, तो मैंने नए चावलों को कर लिया बॉयल, ये देखें इस तरह से बड़े अच्छे और बहुत ही अच्छे मज़े के बन गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो लगने वाला है तड़का लहसुन और अदरक का, इसके अंदर मैंने लहसुन भी कटिंग किया हुआ है, अदरक भी कटिंग किया हुआ है, और इसके अंदर डालूँगी ऑयल, और इसको लगाएंगे हम तड़का। ये हो गया है डन, इसका चूल्हा करते हैं बंद, इसको नीचे उतारते हैं, इसका लगाते हैं साथ में तड़का ज़बरदस्त करके। तो जी फ्रेंड्स, ज़बरदस्त काजू वाले लहसुन सर रेडी हो गए हैं, इसको लगेगा तड़का चड़का। तो जी दाल हमारी हो गई है डन, काजू वाले मसर चावल, और देखिए जी माशाल्लाह से काजू वाले मसर रेडी हो गए हैं, और किशके लग गए हैं, सारा कुछ हो गया है, साथ में ये देखिए जी कामना की शॉप का चार, ये भी बड़ा मज़ेदार लग रहा है, साथ में नए चावल है, और ये भी हो गए हैं ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं खाना हो गया रेडी, बच्चों को लगी है भूख, और मम्मा लगाते हैं तो भी खाते हैं खाना, और अच्छा लग रहा है बहुत, भूख भी लग गई है बहुत ज़्यादा, हाँ बच्चों को भूख लगी हुई है, तो मैं लगाती हूँ तो खाते फिर खाना खाते हैं। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डाले हैं मसर और चावल, और इसके ऊपर खाया अचार, क्या बात है, खुशबू भी आ रही है और मज़ा भी आ रहा है, तो बच्चे जो है ना सुबह गोलू कहता मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो वो साथ लेने गया, तो उसको मैं चेक करती हूँ खा के बताऊँ कैसे बनी। क्या बात है, ज़बरदस्त और मज़े, और गोलू भी आ गया। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे खा रहे हैं खाना बच्चे बैठ के, गोलू गोलू सही है ना, गोलू ने बोला था मम्मा मसर चावल खाने, गोलू हैप्पी हो गया है, सुभान तो भी हैप्पी हो गया। जो बच्चे साहब के जो इधर बैठे हैं कामरा साहब, और कामरा की वजह से तबीयत ठीक नहीं है, खांसी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना, फिर तो ये थोड़े थोड़े चावल खाएंगे, तो साथ में खाएंगे मिर्चन वगैरह, तो मैं भी खाना वगैरह खाती हूँ, और मुझे भी बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त, तो बड़ी खुशबू भी आ रही है, और बड़े अच्छे बने हैं मसर हमारे। तो जी फ्रेंड, खाना खा लिया था सभी ने, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिया है, और किचन की भी सफाई कर ली है, सारा कुछ हो गया, और यहाँ पर बन रही है चाय वगैरह, चाय पीनी थी रिहान ने और मैंने और कामरा ने, बच्चे कहते मम्मा हमने नहीं पीनी, आप अपने लिए बनाए, तो चाय बनाती। क्या हो रही है डिस्कस है रिहान, गोले मोले समान आपने नहीं चाय पीनी, ये ले चाय जान से पकड़, और तो नहीं कुछ खाया करा, बेकरी का समान तेरा खत्म हो गया सब कुछ, किधर है ये एक दिन बाद वो नो बार कर ली ये बार कर ली। अच्छा गोलू समान आपने क्यों नहीं चाय पीनी, वही समान अच्छा, इन्होंने ना दाल चावल खाने के बाद इन्होंने पिज्जा भी खाया था, मैंने इसका व्लॉग नहीं बनाया, इन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया। और बस मैं बाहर जा रही हूँ, और सभी साथ अल्लाह हाफिज़ कर दो ना, मैं भी करने वाली बाहर जाके एंड अपना, अगर सभी को आज की एक्टिविटी अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को
लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, जो भी मर वीडियो आगे वापस आती रहे उसकी चैनल को भी इसके चैनल को भी कर लेना। तो जी फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स के लिए लव यू, बहुत साइड बाय, बहुत सारा प्यार, अल्लाह पाक सबको खुश आबाद साथ रखे अपनी फैमिली के साथ, अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। तो अगर आज की एक्टिविटी अच्छी लगे तो सभी फ्रेंड्स के लिए लव यू हो गया। फ्रेंड्स बाय, लव यू, बाय, आई लव यू, बाय।